भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग के रामाशीष प्रसाद द्वारा जदयू सांसद अजय मंडल पर लगाया गया गंभीर आरोप। रामाशीष प्रसाद ने बताया कि जब मैं कार्यालय में था तो सांसद अजय मंडल का फोन आया और किसी रोड के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। आवाज साफ नहीं आने के कारण अभियंता द्वारा रोड का नाम पूछे जाने पर भद्दी भद्दी गालियां सांसद अजय मंडल ने देना शुरू कर दिया। अभियंता का कहना है कि सांसद द्वारा 5% घूस मांगी गई थी। रामाशीष प्रसाद काफी डरा और सहमा हुआ है। उन्होंने बताया कि अगर मेरे साथ किसी भी तरह का हादसा या दुर्घटना या मौत हो जाती है तो इसके जिम्मेदार भागलपुर सांसद अजय मंडल और विभाग होगा। गिर गया, बैठे रहने में चोट लगी हुई है, बैठे बैठे फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए क्या स्थिति है। वकील ने मानवता को किया शर्मसार। ताजा मामला इसाकचक थाना क्षेत्र का है। भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र में अधिवक्ता राजीव कुमार झा के द्वारा पड़ोस के ही एक नाबालिग बच्ची से छेड़खानी करने का प्रयास किया गया। बच्ची के द्वारा हल्ला करने पर आरोपी अधिवक्ता भागकर बगल के घर में छुप गया, जिसके बाद परिजनों और घर वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। परिजनों के अनुसार आरोपी अधिवक्ता बेटे की शादी का कार्ड देने के लिए बगल के घर में गया हुआ था, जहाँ बच्ची ने दरवाजा खोला और अधिवक्ता घर के अंदर प्रवेश कर गया। कार्ड खोजने की थोड़ी देर बहाना करता रहा। वहीं इसी दौरान अधिवक्ता के द्वारा नाबालिग बच्ची से छेड़खानी करने का प्रयास किया जाने लगा, जिस पर बच्ची चिल्लाकर घर के अंदर चली गई, जिसके बाद घर वाले जमा हो गए। बच्ची की माँ किचन में थी, जबकि बच्ची के पिता और बड़े भाई छत पर थे। बच्ची के चिल्लाने के साथ ही आरोपी अधिवक्ता बगल के घर में जाकर छुप गया, जिसके बाद परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने पकड़ कर उसे थाने के हवाले कर दिया। वहीं थाना पहुंचने के बाद आरोपी के पुत्र और आरोपी के कई अधिवक्ता साथी पीड़िता के परिजनों पर केस नहीं करने का दबाव बनाने लगे, लेकिन पीड़िता की मां ने FIR कर दिया। कल रात 9 बजे की घटना है। इसाकचक थाना अंतर्गत एक मोहल्ला है, वहां पर पीड़िता ने अपने माता पिता के साथ आकर एक कंप्लेन दर्ज कराई थी। उनके साथ छेड़खानी की घटना की गई है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया और पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जा रही है। उनका कोर्ट में हम लोग 164 का बयान भी कराएंगे और आगे जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर काजवली चक में हुए बम ब्लास्ट मामले में CDSP ने SIT टीम में शामिल 3 DSP, 4 इंस्पेक्टर और 5 SHO से अब तक की गई जांच की रिपोर्ट मांगी। पुलिस ने अब तक की जांच में पटाखा से बम विस्फोट की बात सामने लाई है। इस बिंदु पर सबूत भी जुटाए गए हैं। भागलपुर से लेकर कोलकाता तक के चैन को खंगाला गया है। हालांकि अभी मामले की जांच जारी है, जिसमें 3 DSP, 4 इंस्पेक्टर और 5 SHO लगाए गए थे। SIT टीम में शामिल हर पुलिस पदाधिकारी को जांच में अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। DIG सुजीत कुमार ने कुल 47 बिंदुओं पर जांच सबूत इकट्ठा करने का निर्देश दिया है। अपराध अनुसंधान विभाग की टीम भी पुलिस को जांच में सहयोग कर रही है। 3 मार्च की रात दिल दहला देने वाले बम विस्फोट में अब तक नवीन मंडल आशीष गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि मोहम्मद आजाद ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर द्वारा सभी व्यापारी बंधुओं के सहयोग को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा होल्डिंग टैक्स वसूली एवं ट्रेड लाइसेंस बनवाने एवं इसके नवीनीकरण हेतु आज चैम्बर कार्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उप महापौर प्रीति शेखर, उप महापौर राजेश वर्मा तथा नगर निगम भागलपुर के आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव शामिल थे। वहीं कार्यक्रम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्रवण बाजोरिया, महासचिव CA पुनीत चौधरी, संयोजक ओम प्रकाश कानोडिया, सुरेश कुमार मेहता, प्रदीप कुमार जैन, पंकज टंडन, आशीष सर्राफ के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। शिविर में वार्ड नंबर 19, 20, 21 और 38 का होल्डिंग टैक्स एवं रसीद काटने के लिए विशेष रूप से यह शिविर लगाई गई थी। बताते चले कि इस शिविर में 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक प्रतिदिन 11:30 से 4 बजे शाम तक यह कार्य चलता रहेगा।
भागलपुर के ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र भागलपुर द्वारा लाठी चार्ज, वर्दी एवं मानदेय तथा मुआवजे को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय के पास सभी कर्मियों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। समस्त ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र सदस्य भागलपुर जिला के प्रखंड अंतर्गत जगदीशपुर सुल्तानगंज, कहलगांव पीर 35, सनहोला गोराडी, नौगछिया, रंगरा एवं अन्य प्रखंड के सदस्य अपने अपने थाना प्रभारी के निर्देशानुसार संध्या प्रहरी, रात्रि गश्ती व राष्ट्रीय पर्व एवं आपदा जैसे बाढ़ भूकंप में सहयोग प्रदान करते हैं, परंतु समुचित सामग्री नहीं रहने और मानदेय नहीं मिलने से काफी निराश हैं। इस बाबत आज सैकड़ों की संख्या में ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के कर्मियों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कार्य के दौरान विजय यादव, ललन पासवान, नीतीश कुमार, घनश्याम पोद्दार व अन्य साथियों का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके कारण आज उनके घर के सारे परिवार अनाथ हो गए, असहाय हो गए हैं। जल्द से जल्द हमारी मांगों की पूरी की जाए तथा उन लोगों को मुआवजा जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए। प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष पिंटू कुमार, प्रांतीय अध्यक्ष सिकंदर पासवान के अलावा ओम प्रकाश शर्मा, विवेक कुमार द्विवेदी, मिली कुमारी के अलावा दर्जनों कर्मी उपस्थित थे। आज हम लोग का धरना इसलिए दिए हुए हैं कि हम लोगों का 2019 में जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार लाठी चार्ज वर्दी का आदेश हुआ है। बीच में कोरोना के चलते हम लोगों का रुक गया, इसीलिए हम पुनः श्रीमान को जिलाधिकारी को जगाने आए हैं कि हम लोगों का लाठी टॉर्च वर्दी का जो आदेश हुआ है, श्रीमान लाठी टॉर्च वर्दी दे दिया जाए। इसलिए कि हम लोग अगर रात्रि में ड्यूटी अगर लग जाता है तो उस समय मान लिया जाए कि हमारा हाथ खाली है, लाठी नहीं रहेगा, मान लिया सांप निकल जाएगा, कैसे लड़ेंगे, वर्दी नहीं रहेगा, चोर हमको पहचानेगा, साधारण आदमी समझ के मारपीट करना शुरू। भागलपुर के मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के काजीचक हरिजन टोला मोहल्ले के रहने वाले सतीश दास के साथ मोहल्ले के ही युवक के द्वारा उसकी जमकर पिटाई की गई, जिससे उसका सर फूट गया तथा शरीर पर भी चोट आई। पीड़ित युवक का कहना है कि मोहल्ले के कुछ बदमाश युवक नशा करने के लिए उससे 2000 रुपये मांग कर रहे थे, नहीं देने पर बदमाशों ने उसकी पिटाई कर दी। वहीं पिटाई के बाद घायल युवक अपनी फरियाद लेकर मोजाहिदपुर थाने पहुंचा, लेकिन वहां पर फरियाद सुनने के बजाय उसे डांट डपट कर भगा दिया गया। इसके बाद पीड़ित फरियाद लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के कार्यालय पहुंचा। वरीय पुलिस अधीक्षक कहीं फील्ड में निकले हुए थे, जिसके कारण पीड़ित की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं उनके कार्यालय से पुलिस कर्मियों ने मोजाहिदपुर थाने को फोन कर पीड़ित की फरियाद सुन कार्रवाई करने की बात कही। फिर भी पीड़ित थाने के डर से जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन पुलिस कर्मियों ने समझा बुझा कर फिर से उसे थाने भेज दिया। थाना जाने से तो अभी यहाँ का भरोसा दिया कि जाओ वहाँ सब सॉल्व होगा, वहाँ जाने के बाद सर ना पता चलेगा क्या है स्थिति क्या न, हम तो ये जानते वहाँ कोई वैल्यू है न। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में एक युवक की छत विछत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की पहचान लालूचक बुद्धूचक निवासी गौरी मंडल के बेटे जितेंद्र कुमार के रूप में हुई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक जितेंद्र साथी सुनील के साथ IPL सट्टा लगाता था। बीते दिनों जितेंद्र ने 50,000 रुपये जीते थे। मृतक के पिता की माने तो 5 दिन पहले जितेंद्र सुनील के साथ गया था। 16 अप्रैल को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आज उनका शव बरामद हुआ है। हालांकि इस मामले में पुलिस एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।